नमस्कार, मैं सुष्मिता, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नाउ। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबर से। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की फर्जी व गलत तरीके से हुई नियुक्ति। जनपद गंज बासोदा के अंतर्गत ग्राम मसूदपुर निवासी निशा आहिरवार ने अनुविभागीय अधिकारी रोशन राय को एक ज्ञापन सौंपते हुए महिला व बाल विकास परियोजना विभाग पर लगभग 1.5 वर्ष पुराने मामले में ग्राम के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नीतू आहिरवार की नियुक्ति को फर्जी व गलत तरीके से किए जाने की शिकायत की। आवेदनकर्ता निशा आहिरवार ने बताया कि इसके पूर्व जिला कलेक्टर को भी शिकायत की थी और जांच उपरांत कलेक्टर महोदय ने उक्त नियुक्ति को रद्द कर दिया था, परंतु महिला व बाल विकास परियोजना अधिकारी कोमल उपाध्याय उसे अभी भी आंगनवाड़ी भेज रही है। आंगनवाड़ी का आवेदन देने आए थे, जो मसीहपुर में नियुक्ति हुई है वो गलत हुई है, फर्जी हुई है, बाहरी महिला की नियुक्ति करती है। किस पोस्ट के लिए था आवेदन? ये कार्यकर्ता, हाँ, तो बाहरी महिला की नियुक्ति करती है जिसमें राशन कार्ड, वोटर लिस्ट और सामग्री आईडी किसी में भी नाम नहीं है। सचिव ने खुद प्रमाणीकरण बना के दिया आएगा और के इनके किसी में नाम नहीं है, जिसमें नियुक्ति के बाद 4 महीने बाद उनके नाम चढ़ाए गए हैं, जो परियोजना मैडम ने चढ़वाए हैं कि मतलब अब जांच करने जाएंगे तो कुछ भी गड़बड़ मतलब ऐसा वैसा लिख के ले आएंगे वो, और ये फिर जिला स्तरीय बैठक होगी उसमें रख देंगे, तो मतलब वहाँ पे अधिकारियों को गुमराह करेंगे और बस। और अभी भी तुमने कहाँ कहाँ दिया है आवेदन? कलेक्टर साहब को भी दिया था और जिला स्तरीय समिति बैठक हुई थी वहाँ पे आपत्ति लगाई हुई थी जिलाधिकारी के दर भी, तो वहाँ से भी हटा दिया, कलेक्टर साहब ने भी हटा दिया, कमिश्नर मैडम ने भी हटा दिया। कितना तो समय हो गया इस मामले को? कम से कम 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल से आप अभी तक क्या पाया आपने? कुछ भी नहीं पाया, सब उनके मतलब उनकी साइट है, हमें अभी तक न्याय नहीं मिला। ये मानना है कि जिसकी अभी नियुक्ति हुई है वो वहाँ के स्थानीय निवासी नहीं है? वो वहाँ के निवासी नहीं है। आपका क्या नाम है? निशा आहिरवार। नियुक्त किसने किया था? मतलब ये जनपद, वो जो है ना डिप्टी कलेक्टर मैडम थी अनुभा जैन मैडम, और उनसे मिस्टेक हो गई थी, वो जिला अधिकारी सर भी बोल रहे थे कि अनुभा जैन मैडम से मिस्टेक हो गई, आपको अपील करनी पड़ेगी, तो हमने अपील कर दी, तो कलेक्टर साहब ने भी हटा दिया वहाँ से, तब भी मतलब वो निरस्त कर दिया, कमिश्नर का स्टे लगा दी उन्हें, तो उन्हें भी हटा दिया, पर ये परियोजना मैडम अभी भी उसे आंगनबाड़ी भेज रही हैं और हमें आदेश नहीं दे रही, घुमा रही हैं। कौन है परियोजना अधिकारी? कोमल मैम। पूरा नाम क्या? कोमल उपाध्याय मैम। और लोकेंद्र बाबू जी तो हमें 15 दिन तक घुमाते रहे, आपको आदेश दे रहे, हमें आदेश नहीं दिया और उन्हें बुला के आदेश दे दिया।